मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप सुबह सुबह देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये सुबह सुबह 5 बजे का है वीडियो, तो मैंने आज सुबह से ही शुरू कर दिया था व्लॉग अपना। तो यहाँ पे बच्चे लोग का है स्कूल आज, तो पहला दिन है, तो बच्चे लोग ने कहा कि मम्मी कुछ मीठा बना देना, तो मुझे जल्दी उठना पड़ा है आज, क्योंकि वो लोग का डिमांड कुछ और था खाने का। तो हलवा होता तो मैं फटाफट बना लेती, लेकिन वो लोग ने कहा मम्मी आज हमारे लिए सूखी सेवई बना देना। तो मैंने भी सोचा आज पहला दिन है बच्चे लोग का, तो स्कूल में जाने से पहले मतलब अच्छे ही मीठे ही चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो मेरा हमेशा ही से है, जब मेरे बच्चे स्कूल से मतलब छुट्टी के बाद पहली दिन पे जाते थे, तो मैं मीठा ही कुछ बना के देती थी, या तो हलवा या तो कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया है, कढ़ाई को रख दिया था, कढ़ाई गर्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो सेमई था थोड़ा हल्का तोड़ा है, ज़्यादा नहीं तोड़ा है इसे, तो ये तो वैसे भी टूट ही जाएगा चलाते चलाते। तो तेल घी हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया हल्का तोड़ के। तो इसे हमें अच्छे से लाल कर लेना है। तो आप लोग जो सोच रहे हो कि मैं सेमई बना रही हूँ, तो वो सेमई नहीं है, ये दूसरी सेमई है, ये सूखी वाली होती है। तो मैं इसमें मतलब दूध खोला के सेमई नहीं डालूंगी, मैं अलग से डालूंगी इसे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लाल कर ले रही हूँ पहले इसे चलाते हुए, नहीं तो फिर ये जल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं लाल होना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। तो मैं इसे मतलब धीमी आंच पे कर रही हूँ, और सुबह का टाइम है ना, तो जैसे लग रहा है कितना जल्दी मैं बना के ये हट जाऊँ, तो मुझे इसके बाद बहुत काम भी करने हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लाल हो गया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ठंडा करने के बाद हल्का करने, तो चीनी डाल दिया मैंने। तो इसे भी अच्छे से हम चला के इसे गला लेंगे। चीनी हमें इसी टाइम डालना है हल्का, जब लाल हो जाएगा हमारा सेमई, तो हल्का ठंडा करके फिर हमें डालना, नहीं तो क्या है कि चीनी फिर जलने लगेगा। तो इसे हम चीनी को अच्छे से चला के पिघला लेते हैं। तो यहाँ पे चीनी भी गलना स्टार्ट हो गया, तो इसी में हम डाल देंगे खोआ। तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा, तो इसे खोआ भी कहते हैं, तो ये डाल के इसे भी हम अच्छे से पिघला लेंगे। तो मैंने धीमी आँच ही किया है, तेज आँच नहीं करना है, नहीं तो फिर चीनी हमारा जो है वो जलने लगेगा और फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से चला के पिघला लेते हैं। तो चीनी हमारा आप लोग देख सकते हैं मतलब पिघलने लगा है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हमें इसी तरीके से खोवा और चीनी को गला देना है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से गला लिया, यहाँ पे पैन भी मैंने रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे दूध मलाई वाला, एक गिलास मैंने बड़े गिलास से लिया है, तो ये डाल देते हैं इसी में। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध का पाउडर, जो मिल्क पाउडर आता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसी में मैं थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी, और थोड़ा सा जो खाने वाला कलर आता है फ्रूट कलर वो डाल दूंगी। तो इसे खौला लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से हमारा बन चुका है, तो मैं काट के भी आप लोग को दिखा रही थी। तो फिर यहाँ पर मैं नहा धो के फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग ने कहा मम्मी जल्दी जल्दी करो, तो मैं आगे का आप लोग को नहीं दिखा सकी। तो मैंने इसका ब्लॉग आप डाला है, इसकी वीडियो, तो आप लोग उसमें जाके देख लेना। तो यहाँ पे मैं फिर खाने की भी तैयारी करने लगी हूँ, तो मैं बहुत टाइम बाद आप लोग से मिल रही हूँ। मैंने कपड़े वॉश किया, बर्तन वॉश किया, झाड़ू पोछा लगाया, फिर फ्रिज में बॉटल भर के रखी, सारे कपड़े मैंने डाल के आए छत पे। तो मैं बहुत टाइम बाद आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, तो मुझे बनाना है दाल चावल सब्ज़ी। तो मैं नहा धो के फिर खाना बनाती हूँ, वैसे तो बच्चे लोग की टिफ़िन मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने काट लिया था, तो वो चावल को मैंने वॉश कर लिया है, तो यहाँ पे मैं चावल को डाल दे रही हूँ, गैस पे रख दे रही हूँ। तो चावल और सब्ज़ी हम दोनों गैस पे रख देंगे, होता रहेगा। और मुझे बर्तन भी लगाने हैं स्टैंड में, तो मैंने बर्तन सुबह में धोया था, तो बहुत लेट हो रहा था, आज बच्चे लोग का स्कूल था ना, तो इसीलिए मैंने बर्तन को वॉश करके रख दिया है। तो उसे मैं बाद में लगा लूँगी, जब मैं अपना खाना यहाँ पे चढ़ा दूँगी, धीरे धीरे होता रहेगा, फिर वहाँ पर मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। और वैसे किचन सारा घर क्लीन है एकदम, तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, तो लहसुन प्याज
और मिर्चा सारा मैं इकट्ठे डाल दे रही हूँ ताकि लाल अच्छे से हो जाएगा सब्ज़ी के साथ में। तो मैं इसी में सब्ज़ी भी डाल दूँगी। तो मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी और दाल चावल बनाऊँगी। तो दाल मैंने अभी नहीं डाला है, पहले मैं चावल को एक तरफ रख दी, एक तरफ सब्ज़ी को डाल दे रही हूँ। सब्ज़ी होते रहेगा तो फटाफट हम और भी काम कर सकते हैं। धीमी आंच पे रख के मैं फिर और भी काम कर लेती हूँ, तभी मेरा काम फटाफट हो जाता है। नहीं तो फिर मतलब 5 बजे से उठने के बाद भी थोड़ा भी टाइम नहीं मिला है अभी तक हमें कि हाँ हम बैठ के आराम भी कर लें। तो मैंने चाय भी बहुत फटाफट पी लिया था कि बच्चे भी आने का समय हो जाएगा। तो सारा काम हो गया है तो बस अभी खाना खाना बाकी है। तो अभी चलेंगे हम, बच्चे लोग आ गए हैं स्कूल से, तो बच्चे लोग ने नाश्ता पानी कर लिया है, खाना खा लिया है, तो सिर्फ हम लोग बचे हैं। तो आइए फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे है दाल चावल सब्जी रोटी प्याज कटा हुआ है, है जो मैंने सेमई बनाया था मैंने रख दिया था। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध मिला के और फिर इसको खाएंगे। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए। उसी तरीके से मौसम हुआ है, बहुत ठंडा हवा चल रहा है लेकिन घर में नहीं बाहर। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, खा लिया है सारा काम हो गया है, को मनाना खा लिया है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। देखिए पानी बरसता है कि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शाम हो गई है, तो शाम का चाय पी लेते हैं। तो सोच रहे थे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का, तो मैंने सोचा आप लोग से मैं तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए गुड नाइट। यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, चलिए।